हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए मेरे पास कि सर जीएसटी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है, कैसे उसके काउंटिंग एंट्रीज होती है, क्या मतलब है सीजीएसटी एसजीएसटी का, कैसे उसका सेट ऑफ होता है, सब कुछ करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या मतलब हुआ? गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत आसान। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये हो आप, है ना, ये कौन हो? ये हो आप, बिल्कुल आप हो। आप क्या गए हो? आप एक बहुत ही बढ़िया से रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए गए हो और वहाँ पे आपने कुछ आइटम्स ऑर्डर करी, सब कुछ करा और हुआ क्या कि आपको लगा कि आपने मेन्यू कार्ड से देखा और आपको लगा कि यार मैंने जो खाना खाया ना वो है 2000 रुपीज़ का। कितने का? 2000 रुपीज़ का। लेकिन जब उन्होंने आपको बिल दिया वो बिल होता है 2360 रुपीज़ का। तो बेसिकली क्या है, 2000 रुपीज़ का जो आपने खाना खाया है उस पर आपको जीएसटी पे करना होता है। मान लो कितना था? 18%। तो आपने क्या किया? 360 रुपीज़ का पे किया जीएसटी टैक्स, राइट। ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, फटाफट से मैं आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो होता है कि जो आप डायरेक्टली सरकार को पे करो। टैक्स क्या है? टैक्स जो आपको सरकार को पे करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। गवर्नमेंट आपको जो बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, रोड्स बनाती हैं आपके लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। उनको ये सब करने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा कहाँ से आता है? जो आप टैक्स पे करते हो। हम जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक है, जो टैक्स पे करती है, उससे वो काम करते हैं। बिल्कुल सही। अब आपने क्या किया? आपने अगर डायरेक्टली अपनी इनकम में से कुछ परसेंटेज सरकार को पे कर दिया, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। लेकिन यहाँ पे क्या आपने सरकार को पे किया, गवर्नमेंट को पे किया? नहीं, यहाँ आपने एक रेस्टोरेंट को पे किया। कितना? 360 रुपीज़। अब ये रेस्टोरेंट क्या करेगा? ये पे करेगा गवर्नमेंट को। टैक्स कोई भी अपने पास नहीं रख सकता, अपनी जेब में कोई भी अब टैक्स नहीं रख सकता, उसको गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। तो हुआ क्या, टैक्स किया तो आपने ही पे है, लेकिन आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपने इनडायरेक्टली पे किया। आपने पहले एक रेस्टोरेंट को पे किया, रेस्टोरेंट वाला वो पे करेगा गवर्नमेंट को। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो भी आप चीज़ें परचेज़ करते हो, है ना, आप कपड़े परचेज़ करते हो, कहीं मॉल में गए हो शॉपिंग करने, उन सब चीज़ों पर आप पे करते हो क्या? जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब देखो जो जीएसटी है ना, जीएसटी आपका आया है 1 जुलाई 2017 को। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि जीएसटी कब आया? जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को। क्या उससे पहले कोई टैक्स नहीं था? क्या सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही थी? ऐसा नहीं है। तो पहले क्या होता था कि भाई पहले ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, दुनिया भर के इनडायरेक्ट टैक्सेस। मोदी जी ने कहा कि भाई ऐसा है, ये सारे टैक्सेस को हटाओ, एक टैक्स लेकर आओ जो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, वन नेशन वन टैक्स। और वो लेके आए किसको? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, राइट। तो जितने भी पहले टैक्सेस थे वो मर्ज हो गए किसमें जाके? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जाके। अब फटाफट से देखते हैं कि अकाउंटिंग इसकी कैसे होगी। अब देखो, हमें अकाउंटिंग इसकी करनी है, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, राइट। तो मान लो आपने एक बिजनेस शुरू किया। किस चीज़ का? आपने सोचा कि यार मैं शूज़ सेल करूँगा, बढ़िया बढ़िया जूते सेल करूँगा। तो क्या हुआ? आपको पता चला कि बहुत बढ़िया जूते मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। आप कहाँ रहते हो? आप भी दिल्ली में ही रहते हो। दिल्ली में एक शॉप है जहाँ से बहुत बढ़िया जूते मिलते हैं होलसेल पे, सस्ते रेट पे। तो आप वहाँ गए और आपने, इनका नाम क्या था? इनका नाम था मिस्टर बाटा। इनका नाम ही क्या है? मिस्टर बाटा। बिल्कुल सही। मिस्टर बाटा पे आपको बहुत बढ़िया जूते मिले, आपने इनसे कुछ परचेज़ कर ली, ठीक है। शूज़ आपके लिए क्या है? गुड्स है। आपने इनसे गुड्स परचेज कर लिए, लेट्स से कितने के? 1 लाख रुपीज़ के। क्यों परचेज़ करें? क्योंकि आप आगे कस्टमर को सेल करोगे। जब आपने इनसे 1 लाख रुपीज़ के ये शूज़ परचेज़ करे, इन्होंने कहा कि भाई साहब इस पे जीएसटी लगेगा। कितना जीएसटी? लेट्स से 12%। तो आपने 12,000 रुपये का जीएसटी भी पे करा, राइट। अब ये जो आपने 12,000 का जीएसटी पे करा है, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब क्या हुआ? इनपुट जीएसटी का मतलब है जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो, गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो, उस टाइम पे जब आप कौन हो? आप ये हो। जब आप कोई जीएसटी पे करते हो उसको मैं क्या बोलता हूँ? इनपुट जीएसटी, राइट। अब क्या होगा? अब आप ये कस्टमर्स को करोगे सेल। ये आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो आपसे जूते खरीदने आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जब आप कस्टमर्स को सेल करोगे, मान लो आपने कस्टमर्स को सेल करा, 1 लाख रुपीज़ के शूज़ थे, आपने 1,50,000 के सेल कर दिए, प्रॉफिट कमाया, बढ़िया प्रॉफिट कमाया 1,50,000 के। आप कस्टमर से भी क्या लेते हो फिर, अब आप कस्टमर से लोगे जीएसटी कितने का, 12% का, ठीक है। तो आपने 18,000 का जीएसटी ये क्या करा है, कस्टमर से कलेक्ट करा है, इसको मैं बोलता हूँ आउटपुट जीएसटी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप जीएसटी पे कर रहे हो, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो उस पर जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो आपका क्या होता है, इनपुट जीएसटी। जब आप गुड्स सेल कर रहे हो, सर्विसेज सेल कर रहे हो और आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटपुट जीएसटी। दोनों का मतलब समझ में आया, बहुत आसान है राइट। परचेज पे जो जीएसटी पे करते हो वो इनपुट, सेल जब आप करते हो, जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हो उसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटपुट। ये सुनो, उसके बाद देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको पता है कि कोई भी इंसान टैक्स अपनी जेब में नहीं रख सकता, हाँ या ना। तो जो आपने ये 18,000 रुपीज़ का जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करा है वो आप किसको पे कर दोगे, वो आप उसके बाद पे कर दोगे गवर्नमेंट को। ये सुनो, किसको पे कर दोगे, गवर्नमेंट को। तो ये जो आउटपुट जीएसटी होता है ये आपके क्या होती है, लायबिलिटी। सर क्यों होती है लायबिलिटी, बेटा कुछ भी अमाउंट जो आपको पे करना होता है, एनी अमाउंट पेबल इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो 18,000 जो आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है वो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे, अमाउंट क्या है, पेबल है। तो आउटपुट जीएसटी आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि जब आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाओगे तो आप गवर्नमेंट को एक बात बोलते हो, यार एक बात बताओ मुझे, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने कस्टमर से 18,000 कलेक्ट किया, हाँ जी किया, 18,000 मुझे पे करना है, बिल्कुल पे करना है, लेकिन मैं ऑलरेडी 12,000 पे कर चुका हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने गुड्स परचेज किए थे आप ऑलरेडी 12,000 पे कर चुके हो या नहीं कर चुके। इन्हीं गुड्स पे जो आपने ये 1 लाख रुपीज़ के गुड्स परचेज किए, इस पे 12,000 का टैक्स जो है, 12,000 का जो जीएसटी है वो ऑलरेडी सरकार तक पहुंच चुका है, हाँ या ना, यस और नो। आपने तो बस अपना एक प्रॉफिट ऐड कर दिया 50,000 का, सही बात है, 50,000 का आपने बस एक अपना प्रॉफिट ऐड किया और 1,50,000 के आपने गुड्स सेल कर दिए, बिल्कुल कर दिए। अभी 18,000 कस्टमर ने आपको पे किए, भाई 12,000 का जीएसटी आप पे कर चुके हो, कस्टमर भी अब 18,000 का जीएसटी पे कर रहा है। अगर आप 18,000 गवर्नमेंट को पे कर दोगे तो ये तो गवर्नमेंट के मजे हो गए, 12,000 पहले ही उन गुड्स पे मिल चुके हैं, उसी जूतों पे आप 12,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो, 18,000 और पे कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो कि जो ये इनपुट जीएसटी होता है ये आपका होता है एसेट। एसेट का मतलब क्या है कि जब आप अपना ये आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने जाओगे उससे ये इनपुट जीएसटी पहले आप क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। ध्यान से सुनते रहो बस, ठीक है, सब समझ में आएगा। सेट ऑफ का मतलब क्या है कि अब आप सरकार को क्या बोलोगे कि यार एक बात सुनो, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 18,000 पे मैंने आपको पे करने हैं, लेकिन 18,000 में से 12,000 तो मैं आपको ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, यस और नो। तो अब आप क्या करते हो, आप सरकार को पे करते हो सिर्फ 6,000 रुपये, क्या करोगे, सरकार को 6,000 रुपये पे करोगे, हाँ या ना। तो ये जो 12,000 रुपये है क्या ये आपकी कॉस्ट है, क्या आपका एक्सपेंस है, नहीं। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि आपकी जेब से नहीं जाता है। आपने 12,000 पे तो करे थे लेकिन आप ये 12,000 यूज कर लेते हो कब, जब आपको आउटपुट जीएसटी सरकार को पे करना होता है। इसीलिए आपका इनपुट जीएसटी जो है ये क्या होता है, एसेट। एसेट क्यों होता है, क्योंकि इसको आप फ्यूचर में यूज करते हो, आपकी जेब से नहीं जाता है। किसकी जेब से जाता है, कस्टमर की जेब से जाता है। टैक्स एक्चुअली में पे कौन करता है, टैक्स एक्चुअली में कस्टमर्स ही पे करते हैं हमेशा। कस्टमर्स ने 18,000 पे कर दिए, बस उसकी जेब से चला गया, राइट। दुकान वाला, सप्लायर, होलसेलर, बिजनेस वाले ये जीएसटी अपनी जेब से पे कभी नहीं करते। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी क्या हो गया, एसेट, जिसको आप यूज़ करोगे। आउटपुट जीएसटी क्या हो गया, लायबिलिटी। इसको बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, मुझे बस आपको ये समझाना था कि इनपुट जीएसटी आपका एसेट होता है, क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा, और आउटपुट जीएसटी आपकी लायबिलिटी होती है, क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। उसके बाद देखो, अब ध्यान से देखो, आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में दो होती है, एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, मोदी जी, एक क्या होती है आपकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक आपकी होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो केजरीवाल जी हैं, योगी जी हैं, है ना, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। अब जो टैक्स होता है वो किसको जाएगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, दोनों में लड़ाई हो सकती है। तो होता क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि ये थे आप, है ना, आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे शूज़ सेल कर रहे थे। अब मान लो कि आपने क्या किया है, आपने कुछ गुड्स सेल कर दिए, क्या कर दिए, गुड्स सेल कर दिया, शूज़ सेल कर दिए। आप बैठे हो दिल्ली में, कहाँ बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो। कस्टमर्स जो हैं आपके वो भी किसके थे, दिल्ली के ही थे, किसके थे, दिल्ली के ही थे। ये भी कौन है, ये दिल्ली में ही बैठे। मान लो आपने 10,000 रुपीज़ के गुड्स सेल करे, इस पर आपने 12% का जीएसटी चार्ज करा, 1200 रुपये। कितना, 1200 रुपये। अगर आप जिस स्टेट में आप हो उसी स्टेट में अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विसेज सेल कर रहे हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब अपनी ही स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हो, अपनी ही स्टेट में आपने गुड्स या सर्विसेज सेल करे हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंट्रा स्टेट। और जब आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो तो जो जीएसटी होता है वो सेंटर और स्टेट में इक्वली डिवाइड होता है। मतलब कि जो भाई जो सेंटर को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 600 रुपये, और जो स्टेट को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 600 रुपये। लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, 600 रुपये आपने सेंटर को दे दिए और 600 रुपये आपने स्टेट को दे दिए। जो आप सेंटर को पे करते हो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब CGST। और जो स्टेट के पास GST जाता है उसको हम बोलते हैं SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात समझ में आई। तो जब भी आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो, इंट्रा स्टेट मतलब अपनी ही स्टेट में, जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो उसी स्टेट में अगर आपने कुछ बेचा है, कुछ सेल करा है, उस पे जो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो वो सरकार को दोगे। कैसे दोगे, आधा सेंटर गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को, आधा CGST, आधा SGST। ये बात बिल्कुल सही है। अब मान लो आपने एक सेल करा, आपने एक सेल करी है, कहाँ सेल करी है, आपने सेल करी है मुंबई में। कहाँ सेल करी, मुंबई में। वाह जी वाह, मुंबई में आपके कस्टमर बैठे हुए थे, राइट। आपने सेल कर दी, कितने की सेल कर दी, मान लेते हैं यहाँ पे आपने 20,000 की सेल कर दी। कितने की, 20,000 की। अब आप बैठे हो दिल्ली में, आपने सेल क्या करी है, मुंबई में। मुंबई कौन सी स्टेट में है, महाराष्ट्र में। तो ये क्या हो गई, ये होती है आपकी इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट मतलब जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो आपने उसके बाहर कहीं पे सेल करा, कहीं बाहर आपने गुड्स बेचे हैं अपनी स्टेट के बाहर, तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, इंटर स्टेट सेल। क्या आपको बात समझ में आती है। अब इंटर स्टेट में क्या होता है, मान लो 20,000 रुपये के आपने गुड्स बेचे, इस पर 12% GST था, मतलब 2,400 रुपये का GST था। तो इंटर स्टेट सेल में क्या होता है, आप जो GST चार्ज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो IGST कैसे बढ़ता है, कितना स्टेट को मिलता है, कितना सेंटर को मिलता है, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके रूल्स हमें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो तो आप CGST और SGST चार्ज करते हो, ठीक है। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, अपनी स्टेट से बाहर सेल कर रहे हो, तो आप क्या लगाते हो, IGST। ये बात आपको समझ में आती है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट समझ में आता है, बिल्कुल। उसके बाद देखो, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई GST कौन सी वैल्यू पे चार्ज होगा। आप टैक्स तो लगा रहे हो लेकिन टैक्स किस पे लगाओगे, जैसे आपको पता है कि आप ट्रेड डिस्काउंट भी देते हो, आप कैश डिस्काउंट भी देते हो, तो क्या हम GST कैश डिस्काउंट के बाद लगाएं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगाएं, वो सब कुछ चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो GST जो चार्ज होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, किस पे चार्ज होता है, उस पर चार्ज होता है टैक्सेबल वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और ये टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है बस हमें वो सीखना है और फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है, ध्यान से देखो कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका बिजनेस था, ये कौन है, ये आप हो, बिल्कुल। आपने क्या करा, आपने कुछ गुड सेल करें, बिल्कुल करें। किसको करें, ये आपके कस्टमर है, कौन है, कस्टमर है। आपने इनको गुड सेल कर दिए, बिल्कुल कर दिए। मान लो आपने गुड सेल करे हैं 10,000 रुपीज़ के, कितने के, 10,000। आपने क्या बोला है, 10,000 लिस्ट प्राइस है, 10,000 लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस का मतलब मैं बहुत डिटेल में पहले भी आपको समझा चुका हूँ। फिर आपने बोला कि आप इस पे क्या दोगे, आप इस पे दोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दोगे कितने का, मान लो 10% का, 10% का आपने ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया। फिर आपने कहा सुनो मैं आपको कैश डिस्काउंट भी दूंगा, क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट भी दूंगा। कितना, कितना भाई, कितना, अगेन 10% अगर आप मुझे अभी पेमेंट कर दोगे। तो आपने ये सब बोल दिया कि भाई मैं आपको 10,000 रुपये के लिस्ट प्राइस के गुड्स हैं, ठीक है, MRP है कितनी, 10,000, उस पर आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, वेरी गुड। कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है 10% का। तो GST किस पे चार्ज होगा, क्या 10,000 पे चार्ज होगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके होगा, कैश डिस्काउंट लेस करके होगा, सब कुछ देखो। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है, सबसे पहले तो एक बात बताओ, जब आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आपको क्या निकालनी होती है, सेल वैल्यू। क्या निकालनी होती है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपका लिस्ट प्राइस है, मतलब जो आपकी MRP है कितनी है, 10,000, ये है आपकी MRP। इसमें से आप माइनस करते हो क्या, इसमें से आप माइनस करते हो ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करते हो? ट्रेड डिस्काउंट। बिल्कुल, कितना है? 1000 रुपीज़। तो ये कितना आ गया? 9000। ये होती है 9000 आपकी क्या होती है? 9000 आपकी होती है सेल वैल्यू, जिस पे आप गुड्स को सेल करते हो। येस और नो? तो यहाँ मैं लिखता हूँ ये आपकी क्या है? सेल वैल्यू। जो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हो वो आप 9000 से करते हो, ये तो पक्की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम जीएसटी इस पे लगाएंगे? नहीं, हम जीएसटी किस पे लगाएंगे? हम जीएसटी हमेशा कैश डिस्काउंट को लेस करने के बाद लगाएंगे। अगर आपने कैश डिस्काउंट भी दिया है तो जितना आपने कैश डिस्काउंट दिया है उसको लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पे लगाता हूँ मैं क्या? अपना जीएसटी। तो 9000 का 900 हो जाएगा इसका कैश डिस्काउंट, 8100 आपकी क्या है? 8100 है आपकी टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब जिस पे आप जीएसटी लगाते हो, जिस पे आप जीएसटी लगाते हो। मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कि जो जीएसटी है वो क्या है? एट द रेट ऑफ 12%। क्या है? 12%, जिसमें से जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट होती है। तो सीजीएसटी कितना होगा? 6%, एसजीएसटी 6%, दोनों में इक्वल बढ़ता है। तो कैसे लगाओगे आप इसको? ध्यान से देखो मेरी बात। टैक्सेबल वैल्यू 8100, सीजीएसटी कितना? 6%, एसजीएसटी कितना? 6%। तो हम क्या करेंगे? 8100 का 6% कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ रहा है? 486 और 486। क्या आपको बात समझ में आई? ऐसे लगेगा जीएसटी। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ तो फटाफट से देख लो। जीएसटी, चार्ज ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और कैसे कैलकुलेट होगा मैंने आपको एक बहुत ही सुंदर सी टेबल बना के दे रखी है, आप देख सकते हो कैसे होता है कैलकुलेट। कि सबसे पहले आपको अगर लिस्ट प्राइस दिया हुआ, लिस्ट प्राइस देखा, उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, बिल्कुल करना है। कैश डिस्काउंट दे रखा है तो वो भी आपको लेस करना है, ओके। उसके बाद जो आती है वो आपकी क्या आती है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इस पे आप क्या चार्ज करोगे? जीएसटी, जो भी रेट आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, हमेशा मेंशन होगा, टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। वो आता है इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का मतलब ये टोटल बिल का अमाउंट है। अगर आप जाते हो ना शॉपिंग करने तो देखते हो कि भाई जो भी डिस्काउंट वगैरह होता है वो सब लेस करके जीएसटी चार्ज करने के बाद जो एंड में वैल्यू लिखी होती है वो आपकी क्या होती है? पूरे बिल की वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने, फटाफट से देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है? एग्जाम्पल 1 में है CCW लिमिटेड, आपकी खुद की कंपनी थी एक, ठीक है। सोल्ड गुड्स एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 500। सेम एग्जाम्पल हमने अभी किया, लिस्ट प्राइस दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू। इस पर मैं CGST एसजीएसटी चार्ज करूँगा। ये वाला क्वेश्चन है, ज़रा ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, CCW लिमिटेड दिल्ली। अब उन्होंने आपको क्या बोला कि भाई कहाँ पे हो आप हो दिल्ली में, बता दिया कौन से स्टेट में हो, दिल्ली स्टेट में हो, ठीक है। सोल्ड गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000, आपको 20,000 का लिस्ट प्राइस दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, 5% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया टू अ कस्टमर इन मुंबई। कस्टमर कहाँ पे है? मुंबई में, आप दिल्ली में बैठे हो, तो आप कौन सा जीएसटी चार्ज करते हो? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, करेक्ट, ठीक है। अब आपको साफ साफ बोला है कैश डिस्काउंट इज 10% एंड द कस्टमर पेड 50% अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। कस्टमर ने 50% अमाउंट सेल किया, आपको पता है कि जितना वो कैश पे करेगा उतना ही उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट, ठीक है। कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है कि देखो मेरी बात, कि आपको उनसे कितने पैसे लेने थे? 19,000, 20,000 माइनस 1,000, 19,000। लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ 50% पे किया, 50% कितना होता है इसका? 19,000 का 50% होता है 9,500, कितना होता है? 9,500। तो आप सिर्फ इसी पे डिस्काउंट दोगे 10%, तो डिस्काउंट कितना आ गया? 950, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 50% अमाउंट पे किया है, बिल्कुल। तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 18,050। और आप यहाँ पे क्या चार्ज करोगे? IGST 12% आ गया, और आपकी एक इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आ गई। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जीएसटी क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनपुट IGST, CGST, आउटपुट CGST, SGST, राइट। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हम सब कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको आज सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सेट ऑफ कैसे होता है वो सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज की हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।